क्यों हारी विराट की टीम? तीन कारण आए सामने, तीसरा कारण है सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आईपीएल 12 का रोमांच अपने चरम पर है। इस आयोजन में सातवां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को 6 रनों से करीबी हार का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा लग रहा था कि विराट के नेतृत्व वाली बेंगलोर की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से विराट सेना इस मुकाबले को अपने नाम नहीं कर पाई। आइए सबसे पहले दोनों टीमों के स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो आइए जानते हैं उन तीन कारणों के बारे में जिसके कारण विराट कोहली की टीम को हार का मुख देखना पड़ा। नंबर एक, विराट ने छोड़ दी डिविलियर्स का साथ। विराट ने छोड़ा डिविलियर्स का साथ। 67 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने बेंगलोर की टीम को संभाले ही रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए डिविलियर्स ने एक छोर को संभाले रखा, लेकिन विराट कोहली 48 रन बनाकर आउट हो गए। यदि विराट कोहली कुछ और रुककर डिविलियर्स के साथ बल्लेबाजी करते तो शायद इस मैच में बेंगलोर को हार का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर दो, हेटमेयर का फ्लॉप होना। वेस्टइंडीज टीम ने जब भारत का दौरा किया था, उस समय वेस्टइंडीज के युवा बल्लेबाज शिमरॉन हेटमेयर ने सभी को काफी प्रभावित किया था। उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें इस साल आईपीएल में डेब्यू किया, लेकिन अब तक हेटमेयर कुछ खास नहीं कर पाए हैं। मुंबई के खिलाफ वो 5 रन बनाकर आउट हो गए। नंबर तीन, अंतिम ओवर में मलिंगा की शानदार गेंदबाजी। अंतिम ओवर में बेंगलुरु को जीत के 17 रनों की जरूरत थी। मुंबई के कप्तान ने गेंद मलिंगा के हाथों में थमाई। मलिंगा की पहली गेंद पर शिवम ने शानदार छक्का जड़ा, लेकिन इस गेंद के बाद मलिंगा ने शानदार वापसी की और आगामी 5 गेंदों पर बेंगलोर को बल्लेबाजों को मात्र 4 रन बनाने दिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।